एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर गया। वह बैल घंटों जोर जोर तक रोता रहा और किसान सुनता रहा और सोचता रहा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसी सोच विचार में उसने निर्णय लिया, क्योंकि बैल काफी बूढ़ा हो चुका था और अतः उसे बचाने का कोई लाभ नहीं था, इसलिए उसे कुएं में ही दफना देना चाहिए। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक फावड़ा कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही बैल की समझ में आया कि ये क्या हो रहा है, वह जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा और फिर अचानक वह आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने कुएं में झांका तो वह आश्चर्य से सन्न रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर फावड़े की मिट्टी के साथ वह बैल एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वह हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता और फिर एक कदम बढ़कर उस पर चढ़ जाता। जैसे जैसे किसान तथा उसके पड़ोसी उस पर फावड़े से मिट्टी गिराते, वैसे वह हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाता। जल्दी ही सबको हैरान करते हुए वह बैल कुएं के किनारे पर पहुंच गया और फिर कूद कर बाहर भाग आया। ध्यान रखें, आपके जीवन में भी बहुत सारी मिट्टी फेंकी जाएगी, आपको दबाने की कोशिश की जाएगी, बहुत प्रकार से गंदगी आप पर गिरेगी, जैसे आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए आपकी आलोचना की जाएगी, आपकी सफलता से ईर्ष्या के कारण आपको बेकार में भला बुरा कहा जाएगा, आपको तरक्की से रोकने के लिए कई कमियां गिनाई जाएंगी। पर ऐसे में आपको निराश होकर कुएं में ही नहीं पड़े रहना है, बल्कि साहस के साथ हर गंदगी को गिरा देना है और लोगों की फेंकी गई हर गंदगी, हर आलोचना को सीढ़ी बनाकर अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है और अपनी मंजिल तक बिना रुके पहुंचना है। हिम्मत आपकी है, हौसला आपका है, रास्ते आपके हैं, तो जल्द ही मंजिल भी आपकी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें, सिखाते रहें, जीवन को बेहतर बनाते रहें।